एस न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर जनपद के तहसील तुलसीपुर से बहुत पुराना नाता है। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में न गुंडाराज न भ्रष्टाचार की बात कही थी। उसी गुंडाराज और भ्रष्टाचार से परेशान होकर उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास रखते हुए गुंडाराज और भ्रष्टाचार खत्म करने तथा अधिकारियों की मनमानी रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन वही बताते चलें कि इसकी जमीनी हकीकत कुछ अलग ही नजर आ रही है। मुख्यमंत्री का कार्यक्षेत्र कहे जाने वाले जनपद बलरामपुर के तहसील तुलसीपुर के थाना क्षेत्र ललिया के ग्राम मुतरहवा खनगटा का ताजा मामला है, जहां एक गरीब बेसहारा महिला को उसके अपने ही घर से दबंगों ने मारपीट कर बाहर कर दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि इस सब में अधिकारियों की भी मिलीभगत है। अब पीड़िता अपने छोटे बच्चों को लेकर अधिकारियों की चौखट पर फरियाद लगा रही है, लेकिन अब तक महिला की फरियाद किसी ने नहीं सुनी और वह दलदल की ठोकर खाने को भी मजबूर है। इस संबंध में जब थाना ललिया एसओ से बात की गई तो उन्होंने इस प्रकरण की जानकारी होने से मना कर दिया। वहीं जब चौकी मथुरा बाजार से चौकी इंचार्ज से इनकी बात की गई तो उन्होंने प्रकरण की जानकारी होने के बारे में कहा और पीड़िता को हर संभव मदद करने की बात भी कही। बलरामपुर से एबीपीएस न्यूज के लिए शैलेंद्र बाबू की रिपोर्ट। मैं इनको बचपन से ही जानता हूँ। ये मेरे गांव में जन्म दिए हैं, मेरे गांव में रहती हैं, मेरे बगल की हैं और इनकी माँ इनके नाम से वसीयत करके मर गई। जब इनकी माँ जिंदी रही 12 साल से इन्होंने अपने माँ का सेवा किया, ये भी मैं अपने आँखों से देखा। उनके मरने के बाद इन्होंने उनका काम काज भी किया और इनका जो भौजाई थी उसका पति यहीं पर गुजर गया था, उसने जाके दूसरे गाँव में शादी कर ली। 8 साल शादी का हो गए, उसके पास 3 बच्चे हैं। इतने दिन के बाद अब वो आई है अपने हाथों से घर में ताला लगा दिया और घर में ताला लगा दिया अब इनको और इनके बच्चों को चूहा की तरह उठा उठा के फेंक दिया बाहर और अपना बैठ गई। और इसका सहयोगी जो उसका घर कब्जा करके जिसको देना चाहती है उसका नाम है सरदार सनाफ राम फेरन विश्वकर्मा। और सरदार के सहयोग में भी राम सूरत हवलदार सूबेदार रामराज सरदार और निबरे छोटे राजिंदर राजू इतने लोग उसके सहयोग में हैं। इसका कोई हम ही मददगार नहीं है, हम लोग अकेले क्या कर सकते हैं। उसके लिए बहुत हमदर्दी करते हैं तो कहीं जाने चौकी पे जाती है वहाँ भगाई जाती है, थाने पे जाती है वहाँ भगाई जाती है। आज 2 दिन से बलरामपुर जिले पे अपने कप्तान साहब के पास आती है, उन्होंने कहते हैं कि जाओ हमने बता दिया है दरोगा से, अब कब्जा मिल जाएगा, तुम्हारा ताला खुल जाएगा। लेकिन वहाँ पर कोई ही देखने नहीं गया है, बल्कि हिरासत में उसे उल्टा लेने चाहते हैं। साहब ये सरासर अन्याय है, ये जुल्म है। हम मुसलमान हैं, वो हिंदू है, ना हमें इनसे कुछ पाना है ना उसे पाना है, लेकिन मैं सच बोलता हूँ कि ये बात बिल्कुल सत्य है। उस लड़की के लिए हमदर्दी है कि वो सबका बहन बेटी है और अपनी बहन समझकर उसका हम सहयोग कर रहे हैं और ये बात बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं कि साहब उसका मदद किया जाए, सर आप उसका मदद किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, आज उसके साथ ऐसा हो रहा है तो कल दूसरे का साथ ऐसा हो रहा हो जाएगा। उसका कब्जा हटवा कर दूसरे को कब्जा करवा दिया गया है सर। इसके साथ ये हुआ भैया कि ये हमारे गांव की लड़की है और ये इसकी माँ इसको वसीयत कर गई थी, दूसरे व्यक्ति ने उसको बैनामा करा लिया इसके भौजाई से। उसको गए हुए लगभग 12 साल हो गए, अलग चूड़ी पहने हुए है, कटवा मिश्री लाल के यहाँ, ठीक है। और पुलिस प्रशासन पैसा लेकर इसके साथ इसको घर से निकाल दिए हैं बाहर, और बाहर निकाल कर कहीं सुनवाई नहीं हो रही, चौकी पर या थाने पर जाती है तो वहाँ से उल्टे गाली देकर पुलिस वाले इसको भगाते हैं और कोई सुनवाई नहीं करते। कप्तान साहब के यहाँ आई तो ये कहते हैं कि जाओ वापस जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होता।